हेलो गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड सेवन सब्जेक्ट हिंदी सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बातें है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चल चाहते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों में लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत तो सुनकर कौल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों की ओर भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भी है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो कि उसके कंठ में सरस्वती ने निवास किया है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहले ने उसने टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। स्त्री ने बड़ी सहज भाव से कहा, अपने बेटे की प्रशंसा करो। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम का बलवान और न बृहस्पति का बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पुलिस से बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की और कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरे स्त्री का बेटा उधर आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने देखकर गर्व से बोली, देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। वह कह रही थी कि उसका बेटा उसकी और ध्यान दिए बिना ही निकल गए। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर संस्कृत में श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। उसने उच्चारण के ऐसा लग रहा था कि कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यह मेरी गोद का हीरा। उसमें कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखने बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़े ही दूर गया कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से निकला। वह देखने में सीधा साधा और सरल प्रकृति का था। वह देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यह मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपने माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा बड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर में से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीन औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रह गई। एक वृद्ध महिला को जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्यों, यही सच्चा हीरा है।